हेलो बच्चों, तो हम डिवीजन पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी, जो है लेसन टू चल रहा है हमारा, लेसन टू चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स 10th क्लास का। अब हमारे पास एक टॉपिक है कि एक्सरसाइज 2.3 के लिए। एक्सरसाइज जैसे कि पहली वीडियो में मैंने बताया आपको कि 2.3 में जो है, 2.3 में क्या करना है बताया था पहले। फिर भी एक बार दोबारा समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, भाग करना, नॉर्मली हमें पता है भाग करना होता है। एल्गोरिथम मतलब जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मतलब जैसे आप कहो कि मुझे कहीं जाना है, और बीच में कोई चीजें मिलेंगी आपको, तो पहले यहां जाना है। जैसे आपको नहीं पता, किसी से पूछा कि पहले अग्रवाल जाना है, फिर आपको यूनियन बैंक जाना है, उसके बाद आपको लेफ्ट टर्न करना है, फिर राइट टर्न करना है, तब वहां पहुंचना है। दिस कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना। तो डिविजन एल्गोरिदम फ्रॉम पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, काफी वीडियोज में समझाया, मैंने अपनी लाइव क्लास में भी बताया कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। अब पॉलीनोमियल्स हम कौन से करने वाले हैं यहाँ पे? पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल करने वाले हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल करेंगे, ठीक है, उन दोनों पे ही ज्यादा करेंगे। तो हम डिवीजन जो पढ़ने वाले हैं, डिवीजन एल्गोरिदम मतलब, डिवीजन एल्गोरिदम मतलब एल्गोरिदम चाहिए हमें डिवीजन की, किस किस तरह से हमें डिवाइड करना होगा फ्रॉम फॉर आपका पॉलीनोमियल। जैसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन हम ले लें कि हमारे पास एक पी एक्स है, एक्स प्लस थ्री, और एक और हमारे पास क्यू एक्स है, एक हमारे पास, या जो भी ले लो आप, क्यू एक्स ले लो, या क्यू एक्स है आपके पास, तो ये है एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब ले लो, कुछ भी, -3x। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा बच्चे को कराने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं अपने पास से ले रहा हूं तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, पर करते हैं, एल्गोरिदम करते हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा रहा हूं मैं, किसकी आपकी, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया और ये क्या है आपका, लीनियर पॉलीनोमियल। ऐसे कैसे पता चलता है कि क्यूबिक है लीनियर है? तो आप देखो इस पूरे को देखिए, इस पूरे में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है, नहीं तो पढ़ा है हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, पॉलीनोमियल के वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया, क्यूबिक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर। सबसे पहले डिवाइड का यही रूल है कि किसको किस में से डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली हम 2 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अगर हम कहें कि 5 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं 0.5, और 10 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो 2, ऐसा हम कर सकते हैं नंबर में, ठीक है, नंबर्स में कर सकते हैं। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीनोमियल का डिवाइड पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, पॉलीनोमियल का डिवाइड पढ़ रहे हैं, उसके एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन किससे डिवाइड होगा, या दोनों एक आपस में डिवाइड रहेंगे? नो, जिसका डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल ज्यादा होगा उसे आप अंदर ही लिखेंगे। मैं रिपीट करता हूं, जिसका डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, मैं इसे कम कर देता हूं ताकि हमारा आंसर भी बन पाए, चलिए ये लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं यहां पे, ठीक है, और +x+1। तो ये अंदर क्यों लिखा गया, इसका एक रीजन यही है, अगर वो कहे डिवाइड करो आप, तो डिवाइड इसमें से इसको नहीं कर सकते आप, ये अंदर लिखेंगे आप। इसे अंदर लिखने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता है अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट, डिविडेंट ये मैंने बताया था। इसको क्या बोलते हैं बाहर वाले को, डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। और नीचे जो बचेगा उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर हम तो अपनी देसी भाषा में रिमाइंडर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है, समझ में आया? अगर ये बात याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि कौन डिविडर डिविजर होता है, कौन डिविडेंट होता है,
कौन क्वेश्चन होता है, कौन रिमाइंडर होता है। क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर। परंतु हमारा क्वेश्चन यहां पे आता है। हमारा क्वेश्चन था, एक हमें लीनियर पॉलीनोमियल दिया है, एक हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल दिया है, तो हमें बस डिवाइड करना था। तो हमने बताया कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जो बड़ा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल है वो जो है अंदर लिखिए, और जो छोटा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल है उसको बाहर, तभी आप करोगे। ओके, बड़ी क्लास में ट्वेल्थ में आके इस पे क्वेश्चन आते हैं जिसका मैथ बहुत स्ट्रांग होता है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, जब भी मैथ स्ट्रांग बनता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम, जो हम क्वेश्चन में आने वाले हैं कि भाई एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम इज द स्टेप इसका, इस डिवाइड करने का, इस डिविजन करना है इसका, तो क्या स्टेप होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने बताया था आपको, मान लीजिए मुझे अपने स्कूल जाना है और मैंने स्कूल देखा ही नहीं है, मान लो हमें कहीं दूर जाना है तो हमने देखा नहीं, तो गूगल का जमाना खत्म कर दे, नेट नहीं है आपके पास, तो आप रिक्शा वाले से पूछोगे, ट्रैफिक पुलिस से पूछोगे, हवलदार से पूछोगे, कहीं किसी ना किसी टेम्पो वाले से पूछोगे, वो थोड़ा थोड़ा बताएंगे, और आपको 200-400 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप पूछते जाएंगे, एकदम से नहीं पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना है एल्गोरिदम क्या होता है, प्रोसेस होता है कि किस तरह से करते हैं। ओके, हर बार एल्गोरिदम ही पढ़ते हैं मैथ्स में, तो इसकी एल्गोरिदम क्या होगी, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। नॉर्मली हमने करा नहीं कभी भी ऐसा, नाइन्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा पर अब बहुत बहुत डिटेल से पढ़िए। तो हम जो पहला स्टेप में करते हैं कि जो अंदर है हमारा पॉलीनोमियल उसका फर्स्ट टर्म, और जो बाहर पॉलीनोमियल उसका फर्स्ट टर्म, इसको एक पोयम की तरह लो, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से डिवाइड। डिवाइड तो आता है, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से डिवाइड, जो आंसर आया उसे आप यहां लिख लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन का एक टर्म मिला आपको, क्वेश्चन का ये फर्स्ट टर्म हुआ, ठीक है, जितना आया यहां पर क्वेश्चन का टर्म उसकी मल्टीप्लाई, या फिर आप कह सकते हो जिससे डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आया उसकी पूरे से मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान रखना है, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बच्चों की मैथ बहुत बहुत वीक होती है, उनके लिए ही ये वीडियो है, उनके लिए ज्यादा वीडियो है कि भाई एक बार देखेंगे, एक बार समझ लेंगे, फिर फास्ट फास्ट चलेंगे। ओके, तो हर बार यही करना है हमें, हर बार। तो पहले क्या करा, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से डिवाइड की, देन रिजल्ट जो आया उसे यहां भी लिखा, यहां लिखा, और उस रिजल्ट का एक यूज और किया, पूरे टर्म से बाहर वाले पूरे टर्म से आपने क्या करा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट को खोल के करते हैं, एक बार और देख लीजिए, एट्थ में हम नहीं पढ़ते, नाइन्थ में हम थोड़ा सा नहीं पढ़ते, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब, इसका टू इसका वन, इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, प्लस 3x स्क्वायर। ओके, समझ में आया। चलिए अब ये जो आया इसको कॉपी करिए और यहां पेस्ट करिए, पेस्ट करती बार बहुत ध्यान रखिए, इसको कॉपी करिए पेस्ट करिए, तो यहां रखिए कि जो वेरिएबल लाइक टर्म्स के नीचे, लाइक टर्म क्या होते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब देखो यहां पे क्या है, 3x स्क्वायर ये हुआ, इसके नीचे ये आया, अगर 1 होता तो इसके नीचे आता, नंबर आता तो इसके नीचे आता, और अगर 4 होता तो अलग रखना है हमें, अभी हम सीखेंगे उसको भी। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ये हमारा नॉर्मली डिवाइड का रूल है कि आपका जो भी आंसर आता है उसको घटाइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का, आपके एल्जेब्रा को सब्ट्रैक्ट करने का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है, जो प्लस होता है नीचे वाला, जो नीचे वाला टर्म होता है ये प्लस का है एक्स क्यूब, ये प्लस का है 3x स्क्वायर, तो उनको आप साइन चेंज करिए, उनके आप साइन चेंज करिए, माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, और ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जितना प्लस का उतना ही माइनस, तो कट जाएगा, तो ये तो कट गया। ओके, ये नहीं कटेगा, बच्चे इसको काट देते हैं, भाई ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 3 हो गया क्योंकि प्लस का नहीं रहा था, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस के 3 और माइनस के 3, बहुत से बच्चे से प्लस का 6 लिख देते हैं, पता नहीं कैसे, माइनस का 3 आपका माइनस का 6 होगा, और प्लस कब होता है, देखिए बच्चे बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझिए,
माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 तब प्लस का और इंटू करिए इंटू करिए इंटू करती बार आपका माइनस और माइनस का इंटू करती बार आपका प्लस होता है। मैं फिर बता रहा हूं ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, ये उनके लिए नहीं है जिनको मैथ में कम प्रॉब्लम है, वो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल से देख लेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब माइनस का ये और माइनस का मैंने बताया था, ये हो गया माइनस का 6x2 और जो बचा कूड़ा कबाड़ा ऊपर से उसे हम ऐसे का एज इट इज उतार लेंगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एल्गोरिदम, मतलब हमने पूछ लिया अग्रवाल से कि भाई मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है तो मैं कैसे जाऊं, उसने बताया सबसे पहले मेट्रो स्टेशन जाओ सत्यवर के, हो गया हमारा सेकंड। अब अगले स्टेप पे चले, ये स्टेप हो गया और कब तक जाना ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सेकंड स्टेप आपका क्या कहेगा देखो ध्यान से, सेकंड स्टेप आपका फिर वही है, सेम वही चलना है, फिर आप जाओ वहां पर आपको थ्री वाला मिला, तो आपका जो ऑटो वाले ने बोला, तो ऑटो वाले ने बोला थ्री व्हीलर हम कहते हैं बेटा हमारी भाषा में है, तो ऑटो वाले ने बोला, ऑटो वाले से आपने पूछा कि भाई अब हमें आगे क्या करना है, तो आप उन्होंने ये बता दिया कि अब आप आश्रम चले जाओ। ओके, तो अब हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं। ओके, अब हम यहां से चलते हैं तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही है फर्स्ट टर्म जो पोयम बोली थी मैंने, फर्स्ट टर्म की डिवाइड फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म की डिवाइड फर्स्ट टर्म से, माइनस 6x2 डिवाइड बाय x, और देखो यहां पर 1 है यहां पर, तो ये माइनस 6 ही आया, एक x से x कट गया, समझ में आ रहा है, यहां 2x है x इंटू x, ये x कट गया एक बचा। ओके ओके, और यहां तो मैंने बोला था यहां लिखना पड़ता है जो डिवाइड आया, जो सॉरी यहां पर 1 होगा, एक कटेगा तो 1 तो होगा, सॉरी ज्यादा ध्यान चला गया आपको पढ़ाने में। ओके, अब ये आपका यहां आ गया। ओके ठीक है, लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई किससे, जैसे पहला भी किया था हमने, और मल्टीप्लाई करते बार कैसे ध्यान रखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस को माइनस का 6 है या प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करते माइनस का 6 और एक्स स्क्वायर, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का है तो माइनस का 6 3 जा 18 इंटू एक्स नहीं। ओके ठीक, तो अब आया माइनस का 6x2 और माइनस का 18x, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखा है, ये जो प्लस का 1 है ये अपनी जगह अलग है, इसके नीचे है ये है, ठीक है ना, ऐसे साफ साफ लिखने की कोशिश करें, शुरुआत बहुत स्लो करें, आराम से कछुए की तरह करें, आराम से रेस जीत सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से, तो देखिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि नीचे वाले जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो अब ये तो कट जाएगा बेटा एक बार ही काटे, और ये प्लस का 1 है और ये प्लस का है, देखो प्लस का ये और प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 19 और एक्स और प्लस 1 हुआ। ओके, अब बात आती है क्या अभी भी अभी आगे बढ़े, स्टेप 3 करें, बिल्कुल करते रहिए, कब तक करिए, देखिए यहां पर अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 और यहां पर क्या है 1, बराबर भी होगा तो भी डिवाइड होगा, ज्यादा होगा तो डिवाइड होगा, कम हो जाएगा डिवाइड होना बंद हो जाएगा, यहां पर आपका मतलब आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। फिर देखिए आप स्टेप नंबर 3 पे आइए, आप स्टेप नंबर 3 देखिए, आप स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फिर वही शुरू के या फर्स्ट टर्म की डिवाइड फर्स्ट टर्म से, 19x अपॉन x, तो करते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो एक्स एक्स कर जाएगा तो 19 ही बचेगा, तो प्लस का है 19। ओके, और बताया था क्या बताया था, यस हाँ बहुत बढ़िया शाबाश, कि इसकी आपको क्या करनी है, बाहर वाले से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इससे करेंगे, करना आ गया अब तो 19x और प्लस 19 3 जा, ओके नहीं आ रहा मुझे तो कर लीजिए 9 3 27 2 3 5, ओके नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े मैथमेटिशियन नहीं है हम, छोटे छोटे मैथमेटिशियन ही काफी अच्छा कर जाते हैं। ओके फिर ये क्या हुआ माइनस, और ये भी क्या हुआ माइनस, ये कट गया। ओके
ठीक है। और देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, बहुत ध्यान समझिए कि ये प्लस का वन है माइनस का, तो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज्यादा रहेंगे कितने 56। ओके देखो ये क्या है आपका रिमाइंडर, जिसे हम बोलेंगे आर ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इसे अभी हमने पी और क्यू कहा है, तो इसे आप कह दे, वैसे जी कह सकते हो आप इसे, ये आपका पी ऑफ एक्स, इसे हम पी ऑफ एक्स कहते हैं, मैं एनसीईआरटी में पी ऑफ एक्स को बोला है, और जो जिससे डिवाइड होती है वो जी ऑफ एक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये पी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स, और ये क्या हुआ क्यू ऑफ एक्स। तो हम कह सकते हैं क्यू ऑफ एक्स आपका कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 19, और आपका आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर जो है, ये क्वेश्चन हुआ, ये रिमाइंडर हुआ आपका कितना आया माइनस 56। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया है और इसलिए पढ़ाया है कि आपको समझ में आए, 16-17 मिनट की वीडियो बनी है बेटा, आपको अच्छे से स्टेप देखना है, जहां पर भी आपको दिक्कत आए एक बार देखो फिर जल्दी जल्दी करेंगे, एक बार देखो फिर जल्दी से करना है, एक क्वेश्चन भी करना है फिर आपको, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जाते जाते एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। आपका जी ऑफ एक्स है इस बार एक्स माइनस टू, और आपका पी ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस 1। बहुत अच्छे से करें और इसको फिर आप अपने ग्रुप में डालें। ओके थैंक यू बेटा।